हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन शेयर के बारे। उसका पूरा नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। आज हम लोग सुजलॉन शेयर का जानने वाले हैं रिटर्न्स, शेयर होल्डिंग, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग पहले रिटर्न्स देखेंगे, लास्ट में फंडामेंटल्स देखेंगे, ठीक है फ्रेंड? तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग रिटर्न्स पे। तो यहाँ देख सकते हैं इसका नाम है सुजलॉन एनर्जी, ठीक है। एक वीक की हाई की बात करें तो देखिए, एक वीक की रिटर्न की बात करें 11% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। एक मंथ रिटर्न की बात करें 24% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ रिटर्न की बात करें 23% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ रिटर्न की बात करें 18% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर रिटर्न की बात करें 34% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 2 ईयर रिटर्न की बात करें 81% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 ईयर रिटर्न की बात करें 269% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 ईयर रिटर्न की बात करें 8% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। तो इसने हर जगह पॉजिटिव रिटर्न ही शो किया है, ठीक है फिर। अब हम लोग चल के इसका एक बार शेयर होल्डिंग्स देखते हैं। बात करें फ्रेंड शेयर होल्डिंग्स की, तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास काफ़ी कम शेयर है। 14.5% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FII के पास 7.64% की होल्डिंग है। DII के पास 5.56% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 72.29% की होल्डिंग है। अदर होल्डिंग जो है 0.01% है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डे कैंडल का यूज़ करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली या मंथली कैंडल का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग सुजलॉन के चार्ट पे। मैंने डे कैंडल सेट किया हुआ है, तो देखिए डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 10 रुपये 95 पैसा का, ठीक है। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 11 रुपये 95 पैसा का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 13 रुपये 10 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा फ्रेंड 10 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। इसका सेकंड स्टॉप लॉस हो जाएगा 9 रुपये 15 पैसे का, 9 रुपये 15 पैसे का। और इसका जो थर्ड स्टॉप लॉस हो जाएगा वो होगा 8 रुपये 70 पैसे का, 8 रुपये 70 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने डे कैंडल पे फ्रेंड जाना, अभी मतलब शॉर्ट टर्म पे जाना हमने टारगेट और स्टॉप लॉस। अब हम लोग लॉन्ग टर्म पे जानेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो लॉन्ग टर्म पे फ्रेंड, इस लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली कैंडल को सेट करेंगे। सॉरी, मैं डे कैंडल सेट कर रहा हूँ, वीकली कैंडल को मैंने सेट कर लिया है। तो वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड वो होगा 13 रुपये 35 पैसा का, 13 रुपये 35 पैसा का, ठीक है फ्रेंड। इसका जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 16 रुपये 10 पैसा का, और इसका जो थर्ड टारगेट होगा फ्रेंड वो होगा आपका 22 रुपये 80 पैसा का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 9 रुपये 35 पैसा का। इसका सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 6 रुपये 60 पैसा का, ठीक है फ्रेंड। और इसका थर्ड जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा 2 रुपये 60 पैसा का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में टारगेट और स्टॉप लॉस को जाना फ्रेंड। अब हम लोग जानेंगे इसका फंडामेंटल्स। तो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं फंडामेंटल्स पे, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फंडामेंटल्स, ये इसका पूरा नाम, और ये स्मॉल कैप का शेयर है। बाउंड वीक हाई की बात करें 12 रुपये 15 पैसा, बाउंड वीक लो की बात करें 5 रुपये 40 पैसा। मार्केट कैप की बात करें 11,393 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की बात करें 24.43 लाख इसका शेयर होल्डर्स है। मंथली रिटर्न की बात करें तो 24% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। ईयरली रिटर्न की बात करें 46% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है,
ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चल के इसका इवेंट्स एक बार देखते हैं फ्रेंड। इसका इवेंट जो है फ्रेंड वो आज के दिन ही अनाउंसमेंट होने वाला है। देखिए आज 30 मई है और इसने डेट भी 30 मई का दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग चल के एक बार न्यूज़ को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड 20 घंटे पहले इसमें एक न्यूज़ है कि 26 मई 2023 को सप्ताह में 3 शेयर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उस 3 शेयर के बारे दिया गया है, ठीक है, जिसमें से एक शेयर है अडानी इंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज और है आपका सुजलॉन। ठीक है, ये तीनों शेयर जो है पिछले सप्ताह बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किए हैं, उसी के बारे इसके अंदर न्यूज़ है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।